अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए मास्क लेकर आई हूँ वो राइस फ्लोर का मास्क है। और जो चीज़ें उसमें डलेंगी वो ये है कि इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो राइस फ्लावर डाला है, साथ में जो है एक बाउल लिया है, और इस बाउल में जो है वो मैंने 1 चम्मच राइस फ्लावर डाला है। और वो पता है ये चावलों के आटे का कितना फ़ायदा होता है, ये एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है, पावरफुल इसमें विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बूस्ट करता है फेशियल ग्लो को, गार्ड करता है अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस, डैमेज स्किन को सही करता है, फेशियल टोनर जो है यूज़ होता है एज अ। और इसमें मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाली है और 1 चम्मच ही जो है वो मैं इसमें मिल्क डालूंगी, दूध जो कि वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो राइस फ्लोर है ये डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, स्किन ब्लेमिशेस को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, इम्प्योरिटीज़ को जो है वो ख़त्म करता है, और ये जो है वो एक्सेस ऑयल को जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर कम्प्लेशन के लिए जो है ये राइस फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, और ये यंगर स्किन जो है वो पाने के लिए इस्तेमाल होता है। इन तीनों चीज़ों को मैंने इक्वली जो है वो लिया था और इक्वली प्रोपोर्शन में लेके मैंने एक मास्क बनाया और बाउल में डाल के, ताकि जो है वो मैं इजीली इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकूँ और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब ये जो है वो हमारा मास्क जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इस तरह का मास्क आपको बनाना है जो कि आपके फेस पे इजीली जो है वो अप्लाई हो जाए और जो है वो टूटे ना और बिखरे ना। तो ये इस तरह का फेस पैक जो है वो आपको रेडी करना है। अब जो है वो मैंने अपनी क्लीन स्किन कर ली है और फेस वॉश कर लिया था, अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। कोई मेकअप कोई कुछ नहीं मैंने अप्लाई किया, और जो है मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से जो है वो इस पर सारा मास्क अप्लाई कर रही हूँ। नेक पे भी अप्लाई करूँगी, फेस पे भी अप्लाई करूँगी, नोज़ और चिन और अपर लिप, जहाँ जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स और एक्नी नज़र आ रही है वहाँ पे अप्लाई करूँगी। ये एक्नी को रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा मास्क है। चिन पे, आप नोज़ पर, आपके ब्लैक हेड्स, क्योंकि ये कि जब हम इस मास्क को उतारेंगे तो रब करके उतारेंगे, इस वजह से ये कि आपने इसको हर जगह अवेलेबल अप्लाई करना है, और ये आपको नेक पे भी जो है वो अप्लाई करना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है वो क्या करना है जो है वो इस पर जब 15 मिनट्स बाद आपने फेस वॉश करना है। इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाली है जो कि एंटी एक्नी होती है, रिड्यूस करती है एनलार्ज पोर्स को, वाइटन करती है स्किन को, एंटी एजिंग होती है, और ये जेल फॉर्म में होती है इसलिए इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पर। इसको प्राइमर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, गुड फॉर ऑयली स्किन होती है। इसमें मैंने तीसरी चीज़ डाली है वो मिल्क है, और वो जो है वो उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वाइटन करते हैं स्किन को, गुड मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं, ग्लोइंग और ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा जाना माना जाता है, और लोग जो है मिल्क को हर चीज़ में डालते हैं, और ये जो है बेस्ट जो है वो मॉइस्चराइजर और क्लेंजर होता है। अब मैंने जो है इसको नेक पे इक्वली अप्लाई कर लिया है, और अब इसको मैं 15 मिनट्स बाद जो है वो वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा आया मेरी स्किन पर। और आपको हर जगह अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ चाहे आप इसको वाइटनिंग के लिए और अच्छी स्किन पाने के लिए आप अपने हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप इसको अप्लाई करें 15 मिनट्स के लिए। मास्क ड्राई हो गया, मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ, रब करके वॉश करूँगी और रिज़ल्ट आपको इसका दिखाऊँगी।